हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम, स्वागत करता हूं आप सभी का मोस्ट एनासिटी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया पीछे की वीडियो में कि कीबोर्ड और माउस क्या होता है, हमारी प्राइमरी डिवाइसें होती हैं जो इनपुट यूनिट के अंतर्गत आती हैं। तो इनपुट यूनिट के अंतर्गत आने वाली कुछ ऐसी इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं जो माउस और कीबोर्ड के जरिए वर्क करवाते हैं माउस और कीबोर्ड से। तो उन डिवाइसों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि हमारा इनपुट डिवाइसें क्या होती हैं, उनका नाम क्या होता है, उनको क्या कहा जाता है और उनका काम क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश हमेशा करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि स्कैनर क्या होता है और जॉयस्टिक क्या होता है और BCR क्या होता है। मैं तीन डिवाइसों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कैनर कौन सी चीज़ होती है और जॉयस्टिक कौन सी चीज़ होती है, उनका काम क्या होता है और एक प्रकार से BCR क्या होता है और BCR का क्या काम होता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर क्या होता है? दोस्तों, स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो किसी भी प्रकार के प्रिंटेड पेज या किसी भी प्रकार के रिटन डॉक्यूमेंट को वो किसी भी प्रकार के कंप्यूटर की मेमोरी में डायरेक्ट देने का काम करता है स्कैन करके। ये कहा जाए कि जो स्कैनर होता है वो एक तरीके की जीरोक्स मशीन की तरह होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखे होंगे साइबर कैफे वगैरह पे या जहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन वगैरह का काम किया जाता है, उस शॉप में आप देखे होंगे कि शॉप पे एक प्रिंटर रखा होता है। आज के रेट में जो प्रिंटर है उसमें स्कैनर और प्रिंटर, मतलब प्रिंटिंग और स्कैनिंग दोनों का तरीका होता है, दोनों की फैसिलिटी दी होती है आज के प्रिंटर के अंदर। तो स्कैन करने का काम क्या होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि फोटो स्टेट जो करते हैं लोग, वो फोटो स्टेट से चाहे आपका आधार कार्ड हो या किसी भी प्रकार का बैंक पासबुक या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप जब उसको स्कैन करवाते हैं, फोटो स्टेट करवाते हैं, तो वो स्कैन करके प्रिंट करने का भी काम करता है, आपको भी स्कैन करके प्रिंट करके देता है। तो दोस्तों, उसी तरह स्कैनर भी होता है। ओनली स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक अकेली डिवाइस होती है, उसमें प्रिंटिंग का काम नहीं होता, उसमें केवल स्कैन करता है। वो ज्यादातर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह पे रखे जाते हैं या सरकारी कार्यालयों में रखा जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डायरेक्ट देने के लिए। तो दोस्तों, वो एक प्रकार की जीरोक्स मशीन की तरह होती है स्कैनर, जिसका काम किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को एक फोटोग्राफ के रूप में, डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके उसे किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में मेमोरी में देने का काम करता है दोस्तों। और अगली चीज होती है, अगला आपका डिवाइस होता है जिसको बुलाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है दोस्तों? जॉयस्टिक एक प्रकार की ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग ज्यादातर गेम एप्लीकेशन में किया जाता है। मतलब आपने देखा होगा मूवी आप जब देखते हैं तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं कभी कभी वो गेम खेल रहे होते हैं कंप्यूटर पे, वो गेम किसके जरिए खेलते हैं? गेम उसी जॉयस्टिक के जरिए खेलते हैं। वो जॉयस्टिक ही गेम को खेलने के काम आता है और उससे खेलने के बाद वो आनंद प्राप्त करते हैं, मतलब इंजॉय फील करते हैं। तो जॉयस्टिक होता कैसा दोस्तों? जॉयस्टिक एक प्रकार का स्टिक के समान एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसमें ऊपर की तरफ दो बटन्स लगी होती हैं और उनसे वो हम उन बटन को अंगूठे से प्रेस करते हैं और नीचे की तरफ, उसके नीचे की तरफ वो स्टिक होती है, उसके नीचे के स्टिक की तरफ में एक सॉकेट में एक बॉटम में एक बॉल लगा होता है छोटा सा, जिसको स्फेरिकल बॉल बोलता है। वो स्फेरिकल बॉल आपके जो जॉयस्टिक होती है उसको गेम खेलते समय उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ज्यादातर जॉयस्टिक का यूज वो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है कि कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, जो गेम हमारे कंप्यूटर में होता है उसमें हम गेम खेलने के लिए गेम एप्लीकेशन में जॉयस्टिक का यूज करते हैं। दोस्तों, अगली डिवाइस होती है BCR। BCR आप ये सोच रहे होंगे कि वो BCR जो गांव में या शहरों में मूवी दिखाने के लिए लगाता है, नहीं दोस्तों, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा कोई वहम नहीं है। ये एक प्रकार का ऐसा BCR है, डिवाइस है, इसको शॉर्ट में BCR बोला जाता है, इसका फुल नेम होता है बार कोड रीडर। ये एक प्रकार की ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो बार कोडेड डेटा को रीड करके डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम करती है। मतलब ये किसी भी प्रकार के आइटम्स पे, जो भी प्रोडक्ट पे जो भी बार कोड डेटा होता है, उस बार कोड डेटा को रीड करके कंप्यूटर में उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है और उसका ओरिजिनल डेटा क्या है वो कंप्यूटर में देने का काम करता है दोस्तों, BCR। तो दोस्तों, ये था BCR और जॉयस्टिक और स्कैनर, ये एक प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको और दो पॉइंट पे बात करके बताता हूँ जिसको बोलते हैं माइक। आप सभी लोग जानते होंगे माइक। माइक मीन्स होता है दोस्तों माइक्रोफोन, जो हम लगा के बोलते हैं या हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन वगैरह में माइक लगा होता है जिससे हम ऑडियंस देते हैं
वो एक प्रकार का माइक, उसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो माइक एक प्रकार का दोस्तों इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार के इनपुट को वॉइस के द्वारा देने के लिए कंप्यूटर में करते हैं। दोस्तों उसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, हमारे सीपीयू के फ्रंट पैनल या रियर पैनल पे उसका जैक पोर्ट बना होता है माइक का पोर्ट, और उस माइक के पोर्ट में इनपुट के पोर्ट में हम उसके पिन को लगाते हैं, और हम उस पिन को लगाने के बाद में माइक को कनेक्ट कर लेते हैं, और माइक को कनेक्ट करने के बाद में हम किसी भी प्रकार के डाटा को वॉइस के रूप में कंप्यूटर में देते हैं। दोस्तों ये ज्यादातर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में यूज होता है, मतलब ये कह सकते हैं जहाँ पे वीडियो एडिटिंग की जाती है या जहाँ सिंगिंग के स्टूडियो होता है वहां पे ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। दोस्तों अगली डिवाइस होती है जिसको बोला जाता है एमआईसीआर का मतलब होता है दोस्तों एमआईसीआर मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। दोस्तों ये एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार के मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर जो हमारे दोस्तों जो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे ज्यादातर बैंक के चेक पे पाए जाते हैं। आपने देखा होगा बैंक के चेक पे एक मैग्नेटिक यानी सुनहरे कलर के अक्षर होते हैं, उन सुनहरे कलर के अक्षर को रीड करने के लिए बैंक में MICR डिवाइस का यूज किया जाता है, जिससे हम किसी भी प्रकार के बैंक के चेक को आसानी से रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी इनपुट डिवाइस है, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत ही आसानी से इन तीन चार पॉइंटों पे मैंने आपको डिस्कस किया। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जरूरत लोगों के तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।